आईपीएल 2022 को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव क्या पहले मैच में उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, इस पर बड़ा बयान आया है रोहित शर्मा का। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और महिला जयवर्धने का एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसी में ये सवाल पूछा गया है क्या सूर्य कुमार यादव इनके स्काई जो है वो पहले मैच में उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, जिस पर जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने स्पोर्ट्स टॉक की उस बात का कहीं ना कहीं एक तरीके से उस बात पर मुहर लगा दी जहां पर स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि पहला मुकाबला सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर नहीं आ सकते हैं। आप सबको बता दें कि मुंबई इंडियंस का जो पहला मुकाबला है वो रविवार 27 तारीख को दिल्ली से खेला जाना है उनका मुकाबला, और ऐसे में सूर्य कुमार यादव उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, ये स्पोर्ट्स टॉक ने पहले कहा था। और अब रोहित शर्मा ने भी इस बात पर मुहर लगा दी और उन्होंने कहा है कि चूंकि अभी सूर्य कुमार यादव अपने फिटनेस पर काम कर रहे हैं, एनसीए में अभी भी वो मौजूद हैं, अभी तक वो मुंबई इंडियंस के कैंप से जुड़े नहीं है, इसका मतलब है कि पहला मुकाबला जो है वो खेलना उनका संदिग्ध है, उस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे और ऐसे में उनका इंतजार किया जा रहा है। रोहित शर्मा ने यह भी कहा है कि फिटनेस पर अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जैसे ही वो फिट हो जाएंगे वैसे ही वो मुंबई इंडियंस के खेमे से जुड़ जाएंगे और उम्मीद है कि दूसरे या तीसरे मुकाबले से सूर्य कुमार यादव टीम के साथ जुड़ जाएंगे और टीम के लिए बेहतर योगदान देते हुए नजर आएंगे। आपका क्या सोचना है सूर्य कुमार यादव की फिटनेस को लेकर के और कितना अहम ये खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस के लिए, उस पर आप क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।